Hare Krishna and good morning all of you students. Today I am going to teach you a lesson of English one book, okay? And I am omitting right now at this time, I am omitting the 10th chapter of English one, the river. This is a poem and now I am omitting this lesson. We will read it later, ठीक है? हम इसको बाद में पढ़ेंगे और आज मैं आपको 11th lesson पढ़ाऊंगी English one book का, ठीक है? So the 11th lesson, the name of the 11th lesson is Cricket for the Crocodile, ठीक है? अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. यहाँ पर क्रोकोडाइल एंड क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये एक लेसन है. क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स प्लेड इन इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज. क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर गेम है जो इंडिया में खेला जाता है और दूसरी कंट्रीज में भी खेला जाता है. इट इज प्लेड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन विलेजेस एंड सिटीज. ये सबके द्वारा खेला जाता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा कहाँ कहाँ पर, विलेजेस एंड सिटीज, सब जगह ये गेम खेला जाता है. रीड दिस इंटरेस्टिंग लेसन वेयर अ स्ट्रेंज न्यू प्लेयर पार्टिसिपेंट्स इन द विलेज मैच. एक इंटरेस्टिंग लेसन है वेयर अ स्ट्रेंज न्यू प्लेयर पार्टिसिपेंट्स इन द विलेज पार्टिसिपेट्स इन द विलेज मैच. जहां पर एक नया, स्ट्रेंज मीन्स अपरिचित, न्यू प्लेयर, एक नया प्लेयर है, अपरिचित नया प्लेयर है वो इज पार्टिसिपेटिंग इन द विलेज मैच, जो कि एक विलेज के मैच में, विलेज में होने वाले मैच में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को. इट वॉज संडे था, ऑल्दो रणजी वॉज सपोज टू बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स. रणजी एक नाम का एक बॉय है जिसको कि अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था वो. ही कुडंट रेजिस्ट दिस वन इम्पॉर्टेंट गेम अगेंस्ट द राइवल्स द विलेज बॉयज. ही कुडंट रेजिस्ट दिस वन इम्पॉर्टेंट गेम. रेजिस्ट का मीनिंग है विरोध करना, मतलब खुद को करने से रोकना. वो नहीं रोक सकता था खुद को करने से, वो मैच खेलने से. दिस वन इम्पॉर्टेंट गेम, एक ये इम्पॉर्टेंट गेम अगेंस्ट द राइवल्स, उनके प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंद्वी बोलते हैं ना कि जो हमारे अगेंस्ट में खेल रहे हो उनको, द विलेज बॉयज. जो उनके प्रतिद्वंद्वी कौन थे, विलेज बॉयज थे. और ये जो रणजी बॉय था ये सिटी की टीम में से खेल रहा था, ठीक है? तो वो खुद को नहीं रोक पा रहा था जबकि उसके एग्जाम्स, उसको प्रिपेयर करना था अपने एग्जाम्स के लिए, बट उसको वो गेम भी खेलना था क्रिकेट, ठीक है? देखते हैं आगे. द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉयज लिव्ड नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिस लॉट टुगेदर. विलेज की जो टीम थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी बिकॉज द बॉयज, जो कि लड़के थे, लिव्ड नियर ईच अदर, एक दूसरे के, उनके घर एक दूसरे के पास पास में थे, एंड प्रैक्टिस लॉट टुगेदर, और इसलिए वो बहुत सारी उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती थी. वेयर इज रणजीज टीम वॉज ड्रॉन फॉर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द टाउन. लेकिन जो रणजी की टीम थी वो उस शहर से थी और उसके जो, उस टीम के जो मेंबर्स थे, प्लेयर्स थे, वो सिटी में अलग अलग रहते थे, तो काफी दूर दूर रहते थे. सो वो उनकी प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं हो पाती थी. देयर वॉज द बेकर्स बॉय, उनमें से एक बेकर का बॉय था, जो बेकरी होती है ना जिनकी, वो उनमें से एक बेकर्स बॉय था रघु, जिसका नाम था रघु. द टेलर सन, एक टेलर का बेटा था प्रीतम, उसका नाम प्रीतम था. द पोस्ट मास्टर सन, वो एक पोस्ट मास्टर थे, उनका बेटा था करण, उसका नाम करण था. एंड द बैंक मैनेजर सन, और एक बैंक मैनेजर का बेटा था अंकुर, ठीक है? ये फोर बॉयज थे. समटाइम्स देयर फादर्स ऑल्सो टर्न्ड अप फॉर अ गेम, और कभी कभी उनके पापा जो थे वो भी गेम खेलने के लिए आ जाते थे, ठीक है? अ साइकिल बेल टिंकल्ड एट द गेट. एक क्या हुआ, एक साइकिल बेल बजी गेट पर. इट वॉज रघु, रघु था वेटिंग फॉर रणजी टू ज्वाइन हिम. वो वेट कर रहा था कि रणजी बाहर आकर उसके साथ में जाएगा. रणजी हरीड आउट ऑफ द हाउस, वो रणजी घर से बाहर जल्दी से निकला, कैरिंग हिज पैड, उसका पैड लेके, एंड अ बॉटल ऑफ लाइम जूस, और उसके हाथ में लाइम जूस की, नींबू पानी की बॉटल थी, थॉटफुली प्रोवाइडेड बाय हिज मदर. वो शायद उसकी मम्मी ने ही उसको दी होगी. हैव यू गॉट द स्टम्प्स, ही आस्क्ड. उसने जो ये रघु आया था ना, उसने रणजी से पूछा कि क्या तुमने स्टम्प्स ले लिए क्या, है ना? ये देखिए रघु यहाँ पर साइकिल पर है, एंड ही आस्क्ड टू रणजी दैट क्या तुमने स्टम्प्स ले लिए क्या, जो क्रिकेट में स्टम्प्स यूज होते हैं ना उनके लिए पूछा कि क्या तुमने स्टम्प्स ले लिए क्या. प्रीतम हैज देम, तो वो रणजी बोला कि प्रीतम के पास है स्टम्प्स. एंड द बॉल, और बोला बॉल. अंकुर बोला कि बॉल कहाँ पर है, और रघु, रघु बोला कि बॉल कहाँ है. यस यस, एंड अंकुर्स फादर इज ब्रिंगिंग वन टू प्रोवाइडेड ही ओपन्स द बैटिंग. यस एंड अंकुर्स फादर इज ब्रिंगिंग वन टू, बोला कि और अंकुर के पापा भी
एक ला रहे हैं बॉल, प्रोवाइडेड ही ओपन्स द बैटिंग, कि अगर वो बैटिंग को ओपन करते हैं तो वो भी एक बॉल को अपने साथ लेके आ रहे हैं. ठीक है. रघु रोड वाइल रणजीत सैट ऑन द क्रॉस बार विद बैट एंड बॉटल. रघु ये देखिए, रघु साइकिल चला रहा था और जो रणजीत था वो उसके साथ में साइकिल पर बैठ गया. ठीक है. यहाँ पर जो साइकिल में होता है ना, यहाँ पर एक ऐसे बार होती है, उसके ऊपर ये रणजीत वहां पर बैठ गया उसकी वाटर बॉटल के साथ में. अंकुर वॉज वेटिंग फॉर देम आउटसाइड हिज हाउस. और अंकुर जो था उन दोनों का घर के बाहर अपने वेट कर रहा था. माई फादर स्कॉन अहेड ऑफ हिज ऑन हिज स्कूटर ही इज पिकिंग अप रघुज फादर. तो अंकुर बोला कि माई फादर हैज गॉन अहेड ऑन हिज स्कूटर, कि मेरे पापा आगे अपने स्कूटर से चले गए हैं. ही इज पिकिंग अप रघुज फादर, और वो रघु के पापा को लेते हुए आएंगे. आई विल फॉलो विद करण एंड प्रीतम, और मैं करण एंड प्रीतम के साथ में आऊंगा. ये बात कौन बोला? अंकुर. मोस्ट ऑफ द बॉयज गॉट टू द रिवर बैंक बिफोर द बैंक मैनेजर एंड द बेकर. अधिकतर जो लड़के थे वो रिवर बैंक के पास, नदी के किनारे के पास पहुंच गए बिफोर द बैंक मैनेजर एंड द बेकर. जो बैंक मैनेजर और बेकर के पहुंचने के पहले ही अधिकतर लड़के वहां पर पहुंच गए. ठीक है. द लेफ्ट देयर बाइसिकल्स अंडर अ शेडी बनियन ट्री एंड रैन डाउन द जेंटल स्लोप टू द रिवर. उन्होंने अपनी बाइसिकल्स कहाँ कर दी, शेड कहाँ खड़ी करी उन्होंने, बनियन ट्री बरगद का पेड़ था उसकी छाया में उन्होंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी. एंड रैन डाउन द जेंटल स्लोप टू द रिवर, और जो नदी का जो एक ऐसा ढाल टाइप का कुछ होगा वहां पर, सो दे वेंट देयर. ठीक है. एंड देन वन बाय वन दे स्टॉप्ड एस्टोनिश्ड बाय व्हाट दे सॉ. और उसके बाद एक एक करके वो लोग रुक गए, उन्होंने कुछ देखा वहां पर. क्या देखा उन्होंने? दे गेप्ड इन ऑ एट देयर क्रिकेट पिच. वो एकदम से उनको, जब वो क्रिकेट पिच पर पहुंचे ना अपनी, तो उनको एकदम से बहुत आश्चर्य हुआ. क्या हुआ था? अक्रॉस इट बास्किंग इन द सॉफ्ट वार्म सनशाइन वॉज नाकू द क्रोकोडाइल. वहां पर एक अक्रॉस इट, वहां पर मतलब नदी के किनारे के पास में, बास्किंग इन द सॉफ्ट वार्म सनशाइन, वहां पर एक क्रोकोडाइल वॉज नाकू द क्रोकोडाइल. उस जगह पर एक क्रोकोडाइल, नाकू नाम का एक क्रोकोडाइल वहां पर एक रेस्ट कर रहा था, वहां पर सिटिंग और लेटा हुआ था वहां पर एक, मतलब गर्मी गरम गरम था वहां पर, तो वो वहां पर बैठा हुआ था वो क्रोकोडाइल. वेयर डिड इट कम फ्रॉम? आस्क्ड रणजी. रणजी ने बोला कि ये क्रोकोडाइल यहाँ पर कैसे आ गया? यूजुअली स्टेज इन द रिवर. वो तो यूजुअली रिवर में रहता है. रघु ने कहा, हु हैड जॉइंड देम? बट ऑल दिस वीक, सेड रघु, हु हैड जॉइंड देम. जो रघु ने ये बात बोली जिसने अभी अभी उनको ज्वाइन करा था. रघु भी आ गया अपने, तो रघु आके बोला कि जिसने अभी भी ज्वाइन करा था, तो उसने कहा कि यूजुअली तो ये क्रोकोडाइल नदी में रहता है. बट ऑल दिस वीक ही हैज बीन कमिंग आउट टू लाई ऑन आवर विकेट. लेकिन ये सारे वीक, ये सारे वीक में ये जो क्रोकोडाइल है नदी में से निकल कर और ये हमारी क्रिकेट पिच पर, ये विकेट के पास आकर बैठ रहा है. आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स अस टू प्ले. मेरे को नहीं लगता कि ये नहीं चाहता है कि हम लोग यहाँ पर खेलें, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ जाता है बार बार यहाँ पर आकर. ठीक है. आज हम इस लेसन को स्टूडेंट यहीं तक पढ़ेंगे. आप लोगों को एज यूजुअल रीडिंग बहुत अच्छे से करके इतने लेसन को बहुत अच्छे से समझना है, जिससे हम जब आगे का लेसन या आगे की एक्सरसाइज करेंगे तो करना आपके लिए इजी होगा. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.